इस विचाले वड्डी खबर आ रही है तुहानू दस दिए कि संजय सिंह ते दुर्गेश पाठक दे कहण ते सुच्चा सिंह छोटेपुर दा स्टिंग ऑपरेशन किया गया सी। आम आदमी पार्टी दे साबका जोनल इंचार्ज ते लीगल सेल दे ज्वाइंट सैक्रटरी गुरलाब सिंह का एक खुलासा है। उन्होंने कहा कि छोटेपुर का पंजाब च कद वधदा देख के स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया सी। तां इस वेले दी वड्डी खबर तुसी देख रहे हो कि सुच्चा सिंह छोटेपुर का स्टिंग ऑपरेशन किसे दे कहते करवाया सी। ना लिया गया संजय सिंह ते दुर्गेश पाठक। इन्हां दोहां दे कहते सुच्चा सिंह छोटेपुर का स्टिंग ऑपरेशन होया। यह दावा किया है आम आदमी पार्टी के साबका जोनल इंचार्ज ते लीगल सेल दे ज्वाइंट सैक्रटरी गुरलाब सिंह दा। उन्होंने कहा कि छोटेपुर का पंजाब च कद वधदा होया देख के स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया सी। हालांकि इस तो पहला सुच्चा सिंह छोटेपुर लगातार दावा भी कर दिया इन्हें कि यह झूठा किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जानबूझ के जो है उन्होंने फसाया गया। ज्यादा जानकारी दे लिए साडे नाल जी मीडिया पत्रकार ललित शर्मा चंडीगढ़ तो जुड़ चुके ने। ललित, आखिर की कुछ दावे किए गए ने हुण गुरलाब सिंह दे वल्लों, की कुछ खुलासा किया गया? इंदर, अगर हम बात करें गुरलाब सिंह के, पहले मैं आपको डिटेल बताना चाहूंगा। जो गुरलाब सिंह है वो आम आदमी पार्टी के फिलहाल जो स्टेट लीगल सेल है पंजाब का, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर और दुर्गेश पाठक के ऊपर और संजय सिंह के ऊपर। साफ तौर पर उनका यही आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर उनके जो पूर्व कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ स्टिंग करवाया था, जिसमें जो सुच्चा सिंह छोटेपुर है उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसके लिए उन्हें बकायदा 2 लाख रुपए दिए गए थे और स्टिंग उनको जबरदस्ती उनसे करवाया गया था। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो सुच्चा सिंह छोटेपुर का पंजाब में कद बढ़ रहा था और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो टिकटों के आवंटन को लेकर उन्होंने उनकी जो दखल अंदाजी ज्यादा बढ़े और अपनी जो दखल अंदाजी को कम करने के लिए उनसे ये स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया था। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें काफी गंभीर आरोप है उनकी तरफ से लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ललित ये दावा किया जा रहा है कि इनसिक्योरिटी होने लग गई सी जो दिल्ली तो आगू सन संजय सिंह दुर्गेश पाठक अरविंद केजरीवाल, यही वजह रही कि वो सुच्चा सिंह छोटेपुर के हद कमान जानी हुई नहीं देख सक रहे सी। निश्चित तौर से इंदर, क्योंकि अगर हम बात करें क्योंकि लगातार जिस तरह से 2013 के बाद जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना काम करना शुरू किया था उसके बाद जो मानसा जो जगह है। जी ललित, इस विचारे तो रोकना चाहोगे साढ़े नाल सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर जी फोन लाइन से जुड़ चुके ने। छोटेपुर साहब, हुन एक वड्डा खुलासा जो है हुन लीगल सेल दे जॉइंट सेक्रेटरी गुरलाब सिंह वालों दे कीता गया, तुहाडी पहली प्रतिक्रिया हुन? मेरी प्रतिक्रिया पहली बेटे ये है कि मेरे को मेनू बहुत इन्होंने दुख पहुंचाया सी जी। मेनू, मैं आज परमात्मा दा जिथे पंजाबियों दा धन्यवाद करदा हां कि जेड़ा इल्जाम इन्हें मेरे ते लाया सी वो दुध दा दुध पानी दा पानी सामने आ गया जी। और पता लग गया कि केजरीवाल बड़ा वड्डा कंस्पिरेटर है, बड़ा वड्डा झूठा है, ये पावर हंगरी है और ये पंजाबियों नूं आपां चलाउणा चाहुंदा सीगा। इन्हें एक साजिश के तहत उन्हूं आप किया जदों खेत नूं वाड़ ही खाण लग जाए तो खेत तां बणूगा की। आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो जिहड़ा ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋਧੀਏ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਮੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸ਼ੇਰ ਖਿਲ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਪੀਆਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਿਲ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਪੈਣ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ? ਮਸਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 21 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
छोटे पुरजी तुहानू लगता है कि जो स्टिंग ऑपरेशन जो होया इस सब दे पिछे दिल्ली दे जड़े आगू सन उही जिम्मेवार सन, उन्हां नू इनसिक्योरिटी होन लग गई सी, वो कमान तुहाडे हाथ च जांदी नहीं देखना चाहुंदे सन? केजरीवाल दी चुगली इहदे पिछे सी, केजरीवाल दरगेश संजय सिंह जी इन्हां ने पंजाब लुटिया पूरा, इन्हां ने ठग ले, इन्हां ने पंजाब दे विचों फंड रेजिंग ते 400-500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, टिकटां वाले को पैसे ले, इमोशनल गल्लां करके बाहर तो पंजाबियों नूं सारे को इतना पैसा लिया कि गल्लां करदे सी पंजाबियों नूं बचाउण दीआं, सिर भरावां नूं जंग कराई है। केजरीवाल ने आम गुरलाभ नूं टेलीफोन ते कह के छोटे पुर नूं पासे करो तां असीं बचने, नहीं तां छोटे पुर साडा सच बोलदा। सारी जिंदगी इमानदारी ने कटी है, मेरी गलती नहीं मार दियो, इनक्वायरी मैं जथेदार मोहन सिंह तोड़ होना जिंदगी को इमानदारी सीखी थी। छोटे पुरजी होने खुलासा होने तो बाद थोड़ा अगला कदम की अपनी अरखना खत्म करो, इन्हों नू वोटा भी चाहिए चाहिए, बिल्कुल जेड़े शरीफ बंदे है उन्होंने वोटा पाओ, बाबा बादल ना पलो, पर आ जेड़े कमीने है आम आदमी पार्टी के छोटे पुरजी खुद दस रहे सन कि आखिर किस तरह दे नाल जो है ए स्टिंग ऑपरेशन किया गया, किस तरह दे नाल फसाया गया, और लगातार दावा करते रहे कि दिल्ली दे विच संजय सिंह ते दुर्गेश पाठक जो है सब दे लई जिम्मेवार ने, ते हुण खुलासा जो है गुरलाभ सिंह जो कि लीगल सेल ते साबका जोनल इंचार्ज वी ने, उन्होंने एक खुलासा किया है। फिलहाल दे लिए नहीं इजाजत दियो, धन्यवाद।